नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ डिबेट में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। आज का मुद्दा है 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो समारोह है या फिर सियासत का अड्डा है। जी हां, अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। तो ये कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी सरकार की ओर से जहां विभिन्न आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस की तरफ से उसी दिन कांग्रेस के राजीव भवन समेत सभी जिला मुख्यालयों में हनुमान चालीसा और सुंदर कांड के पाठ का आयोजन की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद सियासत और तेज हो गई है। अब छत्तीसगढ़ में किस तरीके से सियासत चल रही है, रिपोर्ट देखिए। पहले आप रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में बीजेपी और प्रदेश सरकार की ओर से विविध आयोजन किए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी राम मंदिरों में रामायण मंडलियों द्वारा सस्वर गान, भजन कीर्तन, रामायण पाठ का आयोजन होगा। मंदिरों समेत सभी घरों और व्यवसायिक संस्थानों में दीप जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी सरकारी संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। इसके अलावा उस दिन शराब दुकानें बंद रखी जाएंगी। वहीं प्रतिष्ठा के एक दिन पहले 3 अलग अलग कृतित्व के जरिए विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी संघ ने इसकी तैयारी की है। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान पर विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए 2000 मीटर का राम नामी गमछा तैयार किया जाएगा। इसे 28 जनवरी को अयोध्या में राम को भेंट किया जाएगा। वहीं 15,000 वर्ग फीट एरिया में 7 टन धान का इस्तेमाल करके रंगोली बनाई जाएगी। इसके साथ ही 21 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 15 ट्रेलर पर 501 बच्चों को राम का स्वरूप दिया जाएगा और साइंस कॉलेज मैदान से VIP रोड स्थित राम मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके पहले 20 जनवरी को रायपुर के पुलिस ग्राउंड मैदान पर संस्कृति विभाग की ओर से गाथा श्री राम की कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 22 जनवरी को ही प्रदेश भर में कांग्रेस भी भव्य आयोजन करने जा रही है। राजीव भवन समेत कांग्रेस के सभी जिला मुख्यालयों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। साथ ही माता कौशल्या मंदिर चंदखुरी में भी कांग्रेस की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ में रामोत्सव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि 22 जनवरी को वह नारायणपुर जगदलपुर के कार्यक्रम में रहेंगे। कांग्रेस नेता 22 जनवरी को कहां रहेंगे, क्या करेंगे बताएं। कांग्रेस के नेता जनता से मुंह छुपाए फिर रहे हैं। कांग्रेस ने भाचा राम का अपमान किया है। जो राम को काल्पनिक बताए वे जनता के बीच कैसे जाएंगे। जगह जगह पर जो रामायण होगा, भजन कीर्तन होंगे, आतिशबाजी होगी, दिए जलाएंगे, रंगोलियां सजेगी और जगदलपुर में एक बड़ा कार्यक्रम होगा जहां पर लगभग 2,00,000 दीप वहां पर जलाए जाएंगे उस कार्यक्रम में सभी। वहीं बीजेपी ने कहा कि इसलिए 22 जनवरी को कार्यक्रम तय करने को लेकर PCC चीफ दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी के कहने पर हमने तय नहीं किया। 5 साल की सरकार ने माता कौशल्या का जीर्णोद्धार करने का काम किया। पर्यटन स्थल के रूप में और आस्था के रूप में सरकार ने कई स्थलों को डेवलप किया। आस्था हमारे दिल में है। पिछले हमारी 5 साल की सरकार ने चंदकुरी माता कौशल्या की मंदिर जीर्णोद्धार बनाने का काम हमारी सरकार ने की। यहां से लेके सुकमा का रामाराम मंदिर तक का जीर्णोद्धार का काम बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। मतलब बहुत से ऐसे राम वन गमन पथ के माध्यम से बहुत से स्थलों को, चाहे पर्यटन स्थल के रूप में हो, आस्था के रूप में हो, हमारी सरकार ने डेवलप किया। आस्था का सवाल है वो हमारे दिल में। कांग्रेस के 22 जनवरी को हनुमान चालीसा का पाठ करने के फैसले का डिप्टी CM विजय शर्मा ने स्वागत करते हुए कहा कि इस बात का स्वागत है, जरूर करना चाहिए और भी काम करना चाहिए। जो दर्शन नहीं करते हैं ऐसा सोचकर बैठे हैं, उनको दर्शन भी करना चाहिए और अगर कोई इस बात का विरोध करता है तो वो बात गलत है। एकदम करना चाहिए भाई, स्वागत है इस बात का, जरूर करना चाहिए और भी काम करना चाहिए। जो दर्शन नहीं करने हैं ऐसा सोचकर बैठे हैं, उनको दर्शन भी करना चाहिए। बड़ा शुभ दिन है, 500 वर्षों के बाद मिला है वो दिन। 500 वर्षों तक पूरे समाज ने प्रतीक्षा की थी कि जहां पर राम मंदिर तोड़ा गया था वही राम मंदिर बनना चाहिए।
बहरहाल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह के बीच राजनीतिक लाभ हानि को लेकर गुणा भाग शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की ओर से 22 जनवरी को विभिन्न कार्यक्रमों की घोषणा को इसी रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक पंडितों की माने तो इस उत्सव का लाभ लोकसभा चुनाव में बीजेपी को होगा। वहीं अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को उनके कार्यक्रमों का कितना फायदा मिल पाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। चलिए तो 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। पूरे देश में माहौल जो है वो राममय हो चुका है, लेकिन इसमें सियासत भी खूब हो रही है, राजनीति भी खूब हो रही है और सभी पार्टियों के द्वारा राजनीति की जा रही है। तो इस विषय पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जुड़ गए हैं। नितिन भंसाली जी, आपका स्वागत है। बीजेपी नेता निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशिकांत पांडे जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम निशिकांत जी आपके पास आएंगे। सरकार आपकी है, लगातार आप मुखर होकर कह रहे हैं कि हमारे सरकार के कामकाज के वजह से राम मंदिर का आगमन हुआ, राम मंदिर बनकर तैयार हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी खूब लोकप्रियता ले रहे हैं, ये सब दिख भी रहा है और आप लोग खुद बयां भी कर रहे हैं। सूबे में सरकार आपकी है, काम भी आप कर रहे हैं, अच्छा है, कार्यक्रम होना चाहिए राम के नाम पर, लेकिन एक सवाल आप पूछते आए हैं कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं शामिल हो रही है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में। अब आपको भी समझ में आ गया कि क्योंकि उनके भी कार्यक्रम तय हो गए, अपने आप को वो भी हनुमान भक्त कहने लगे हैं, तो साहब बात ये निकल कर आती है कि कोई कंपटीशन तो चल नहीं रहा है, कोई प्रतिस्पर्धा तो है नहीं कि हमें दिखाना है कि हम राम के बड़े भक्त हैं, कांग्रेस पार्टी छोटे भक्त हैं, या फिर वो नहीं है। क्या आपको लगता है, क्योंकि विपक्ष भी ये सवाल उठाती आई है, क्या आपका क्या कहना है, क्या आप समारोह कर रहे हैं या तो फिर सियासत कर रहे हैं? अभिषेक जी, पहले तो जय श्री राम आपको। सर्वप्रथम उन कार्य सेवकों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिनके पुरुषार्थ के कारण ये मंगलमय दिन हमारे समक्ष है और बड़ा भावुक पल है, साथ ही बेहिसाब हर्ष है, उत्साह है कि हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे। ये बड़ा गौरव का दिन है। बहुत प्रतिष्ठित मांग थी, लगातार संघर्षों के बाद कई संघर्ष हुए, कई लोगों ने कुर्बानियां दी, उसके कारण आज ये समय देखने को मिल रहा है। रही बात आपने कांग्रेस पार्टी की, तो समझ से परे अभिषेक तिवारी जी, ये है जी। कि बचपन से हम लगातार सुनते आए कि श्री राम नाम ही सत्य है, लेकिन 2007 में एक चीज और पता चली कि 2007 में हलफनामा देके बता दिया कि काल्पनिक है, राम नाम ही काल्पनिक है, राम जी ही काल्पनिक है, और लगातार प्रभु श्री राम पे अनर्गल और अपमानित टिप्पणियां कांग्रेस पार्टी और एनडी गठबंधन करती रही। आज जरूर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम वास्तव में राम भक्त हैं, तो आप सोचिए कि किसके साथ ये खड़े रहे। एक समय ऐसा दौर था कि जब बोले कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज का नारा बदल गया है, मिट गए मुलायम काशी राम, हो गया देखो मंदिर निर्माण। यह उत्साह कहीं से है, 100 करोड़ 125 करोड़ देशवासियों को उत्साह मनाना चाहिए और जितनी भव्यता से आयोजन कर सकते हैं करना चाहिए। कारण क्या है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि मैं उस परिवार से ताल्लुक रखता हूं जिन्होंने इसके लिए लगातार संघर्ष किया। आज वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनका पुत्र होने के नाते ये अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे बड़ा उत्साह हो रहा है। बाबूजी होते तो बड़ा आनंदित होते, लेकिन ये जो कालनेमी बने हुए लोग हैं जिन्होंने निमंत्रण तक ठुकरा दिया, आप सोचिए अभिषेक तिवारी जी, निमंत्रण के लिए हम लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमें मिल जाए, मैं चला जाऊं जी, ना हो जाए, सिर्फ उस कारण वो वहां तक जा नहीं पाए। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल बाद में भी जनता पूछेगी, अभी भी मौका था अपनी भक्ति साबित करने का लेकिन नहीं कर पाए। खैर, इनके जो थिंक टैंक है वो सोचे, इनका हाई आला कमान सोचे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, छत्तीसगढ़ में अगर आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं, स्वागत योग है, राम के काम में तो हम लोग साथ में, हम लोग दोनों भाई नितिन भंसाली जी बैठे हैं, दोनों भाई साथ में हनुमान चालीसा करें, बहुत आनंद आएगा, इससे बड़ा उत्सव तो मेरे जीवन में कभी नहीं आने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पांडे जी, और यही होना चाहिए और इंतजार हमें भी है कि तस्वीर निकल कर आए जब आप दोनों लोग हनुमान चालीसा पाठ साथ में करें। भंसाली जी, इतनी बीजेपी और पांडे जी कितना बड़ा दिल है, उनका कहना है कि स्वागत योग्य है आपका ये कदम, तो फिर आपने निमंत्रण अस्वीकार क्यों किया?
क्यों आप राम मंदिर नहीं जा रहे हैं, क्यों आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें राम मंदिर नहीं जाना है, ये बीजेपी का कार्यक्रम है। क्योंकि आप उनको भी तो याद रखिए, बहुत सारे कारसेवक हैं जिन्होंने लाठियां खाई, डंडे खाए और अपनी जान तक दी है। बहुत सारे पंडित, पुरोहित, साधु, संत, शंकराचार्य रहे हैं, तो फिर क्यों नाराजगी आपकी क्यों है? सबसे पहले श्री राम रामाय नमः, राम ब्रह्मा चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब पुरपुरवासी। मैं आपको ये बता दूं, प्रभु श्री राम जो है ये भाजपा के नहीं है, प्रभु श्री राम मेरे भी है, अनिरुद्ध दुबे जी के भी है, निशिकांत जी के भी है, आपके भी है, और जितने दर्शक स्वराज एक्सप्रेस के हमको देखे, प्रभु श्री राम सभी के। आस्था के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप देखिए टाइमिंग को लेकर बात है, मंदिर अधूरा है। चलिए आप मेरी बातों का जवाब मत दीजिए, मैं कोई महापंडित तो हूं नहीं, पर आप जो इस देश के चार शंकराचार्य कंटिन्यू जो बातें कह रहे हैं उनकी बातों को तो स्मरण करिए कि वो क्या कह रहे हैं। तो बाकी रहा सवाल निमंत्रण का, तो मैं आपको बता दूं अभिषेक तिवारी जी कि मैंने तो राम मंदिर के निर्माण में डोनेशन भी दिया है और मैं निश्चित तौर पर अयोध्या जाऊंगा, पर अयोध्या जाना कब ये मेरी मर्जी है। भगवान के घर जाने के लिए, भगवान के द्वार पे, भगवान के मंदिर में जाने के लिए, पूजा करने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बात जी। हमारे लीडरशिप ने बिल्कुल कहा है कि जिसको राम मंदिर जाना हो वो बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाएंगे, मैं निश्चित तौर पर जाऊंगा, मैं ये भी बता दूं आपको। और दूसरा, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पार्टी प्रेसिडेंट ने आज जो घोषणा की है कि 22 तारीख को हम सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये तो मैं नित्य करता हूं, हम लोग नित्य करते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, पर ये मैं कंटिन्यू करता हूं, ये मैं बता दूं आपको। और हो सकता है कि बीजेपी के खैर बहुत लोग होंगे विद्वान, पर यदि रामायण के बारे में, राम के श्लोकों के बारे में, दोहों के बारे में यदि कोई डिस्कस करने बैठे तो मैं अच्छे आंसर भी दे सकता हूं, ये भी मैं आपको बता दूं। पर एक ही बात बार बार मैं कहूंगा कि जो राजनीतिकरण करने का जो प्रयास हो रहा है, हम उसके खिलाफ है, हम प्रभु श्री राम के मंदिर के खिलाफ, प्रभु श्री राम के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि आस्था के नाम पर, भंसाली जी अच्छी बात है, आस्था के नाम पर मुझे निशिकांत होना चाहिए, पांडे जी राजनीति नहीं होनी चाहिए, चालीसा के लिए आमंत्रित किया। अभिषेक चौपाई की बात, मुझे जी नहीं, मुझे हनुमान चालीसा साथ में पढ़ने के लिए यदि निमंत्रण दिया मैं सच स्वीकार करता हूँ। हाँ भंसाली जी, तो एक दोहा एक चौपाई हो जाए फिर पांडे जी के माध्यम से और आपके थ्रू भी हो जाए, क्योंकि राम जी के ननिहाल में बैठे हैं और ननिहाल में कहा जाता है कि जो द्वेष भावना वो खत्म हो जाती है, क्योंकि मामा से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैंने तो बात की शुरुआत ही उसी से की कि राम ब्रह्मा चिन्मय अविनाशी सर्व रहित सब उर्पुरवासी, बैरू न कर काहु संकोई, राम प्रताप बिसंता कोई। अभिषेक जी बोलने की नहीं होती, समझने की होती है, आस्था दिल में होती है, आस्था किसी पे थोपी नहीं जाती। नहीं बिल्कुल सही बात, आस्था तो दिल से होती है। हाँ कुछ आप बोल रहे थे पांडे जी, निमंत्रण पांडे जी आप मंदिर में जाने उसके बाद दूसरे। अच्छा आप मंदिर जाते हैं तो निमंत्रण पे जाते हैं कि हम तो नित्य मंदिर नहीं, मंदिर मंदिर में कोई निमंत्रण नहीं चलता है, भंडारे भंडारे प्रसाद में कोई निमंत्रण नहीं चलता है, और जहां तक हम जानते हैं कि जहां पूजा पाठ कथा भागवत यज्ञ हो वहां पर पूछ कर बुलावे में नहीं जाना चाहिए। सवाल इसीलिए है दुबे जी आपके पास आऊंगा, उसके बाद पांडे जी से एक दोहा जरूर सुनूंगा। दुबे जी बहुत सही बात भंसाली जी ने कही है और पांडे जी ने अपनी बात रखी है। राम दुबे जी लेकिन जो इस समय चल रहा है, जो 22 तारीख का कार्यक्रम है, ये कहा जा रहा है, कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं, कुछ राजनीतिक लोग कहते हैं, और शंकराचार्य भी सवाल खड़े कर दिए हैं, तो कहीं न कहीं निशाने पर सरकार यानी कि बीजेपी तो आ गई है कि जब मंदिर में पूजा पाठ में सबको न्योता है, सबको आना चाहिए, तो फिर सबके मर्जी से काम होना चाहिए। एटलीस्ट शंकराचार्य जो देश के हैं, चार धर्म के स्तंभ कहे जाते हैं, उनके चुनाव की प्रक्रिया भी बहुत अच्छी होती है, शंकराचार्य को और चारों शंकराचार्य को दरकिनार कर दिया जाता है, तो फिर लोग कहते हैं कि भाई ये तो प्रोपागेंडा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है और मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। दुबे जी जी देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा मैं, लेकिन उसके पहले जो है मैं एक कहना चाहूंगा कि अभी जो भगवान राम पे और राम जन्मभूमि पे डिबेट जो है काफी दिनों से चल रहा है। शुरू से मैं एक लाइन कहा करता था भारतीय जनता पार्टी को लेकर, 13
राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, हरिओम शरण जी के भजन की लाइन है। लेकिन अब जैसे कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, फिर ये भी कहना पड़ेगा कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम भी चले ना हनुमान के बिना। तो मतलब जो है कि इधर एक तरफ राम भी है तो दूसरी तरफ जी हाँ राम जी चले ना हनुमान के बिना, तो ये दूसरी जो स्थिति है। आपका जो सवाल है शंकराचार्य जी को लेकर, तो देखिए मेरा एक ये मत है, मेरी अपनी ये सोच है, राम भगवान राम जो है केवल हम धर्म को ही क्यों जुड़े, एक धर्म ही शब्द पर्याप्त नहीं है। हम आस्था की बात करें, हम विरासत की बात करें, हम जुड़ाव की बात करें, हम इतिहास की बात करें, कई दृष्टिकोणों से भगवान राम का महत्व है और भगवान राम से भावनात्मक जुड़ाव है। और भगवान राम जो है कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई एक किसी एक वर्ग विशेष के हैं। भगवान राम पे जितने अच्छे भजन मोहम्मद रफी साहब ने गाए शायद ही किसी दूसरे गायक ने गाए हो, गाए भी होंगे, मैं ऐसा नहीं करता, किसी में तुलना करना ठीक नहीं है, लेकिन मोहम्मद रफी साहब ने जो है लिखे भजन गाए भजन, शकील बदायूनी जो है उन्होंने भगवान राम पे गीत लिखा, तो ऐसे बड़े उदाहरण है और कई श्रेष्ठ उदाहरण है कि जो भगवान राम को लेकर है। तो भगवान राम तो हिंदुस्तान की विरासत है, बिल्कुल, इसलिए कहीं कोई इसमें कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन जहां तक शंकराचार्य जी लोगों की बात है तो मेरा उस पर ये कहना है कि हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक वक्त होता है, परिस्थितियों को भी देखा जाता है, उसका आकलन किया जाता है। आज निश्चित रूप से जो है सारी चीजों को समेटने के लिए और सारी चीजों को एक समुचित जो है मोड़ पर ले जाने के लिए और एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए इससे एक अनुकूल समय है। और अगर कोई वक्त रहते, अगर कहीं कोई चीज हो जाती है, क्योंकि एक आज जो है नरेंद्र मोदी जी के पास एक बहुत बड़ा जो है अवसर है, अवसर से भी अगर उपयुक्त शब्दों को हम चयन करें तो मतलब यह है कि एक मतलब लक्ष्य है, तो अगर उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए अगर कहीं वो आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं। और आप शंकराचार्य जो पहले शंकराचार्य जी थे, मैं क्या है उस पर नहीं जाऊंगा डिटेल पे, लेकिन आप उनके इतिहास को पढ़िए तो उनके साथ भी जो मतलब ऐसे ऐसे जो है घटनाक्रम जुड़े रहे कि मतलब अगर कहीं आप उसका मिलाप करें उन घटनाक्रमों का तो बड़ा अजीब लगेगा। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से बहुत सारी चीजें बदलती रही है, और अगर कहीं बदलती रही है तो उसके साथ अगर कहीं गर्भगृह का निर्माण हो चुका है जहां भक्त दंडवत करेंगे उस जगह का निर्माण हो चुका है, और ऐसी स्थिति में भगवान राम विरणित होते हैं तो उसमें मैं नहीं लगता कि किसी तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। ठीक है पांडे जी, आतुरता तो हर किसी को है, हम भी आतुर हैं, हम भी राम दर्शन के लिए, हम भी चाहते हैं कि भगवान की मूर्ति स्थापित हो, भगवान का भव्य मंदिर बने, अयोध्या में हम लोग जाएं, और राम राज की बात आती है, राम राज को हम ये समझते हैं कि राम मतलब मर्यादा, राम मतलब आत्मविश्वास, राम मतलब आपके अंदर की अच्छाई, और राम मतलब पुण्य काम सबके हित के लिए। तो रामलला का दर्शन हो, अच्छी बात है कि राम मंदिर तैयार हो गई है, तैयार हो रही है और भव्य बनेगी, और प्राण प्रतिष्ठा का दिन आ गया है, लेकिन शंकराचार्य फिर भी नाराज हैं। हम आपसे ये समझना चाहते हैं, क्या शंकराचार्य की नाराजगी और जिस तरीके से उनकी बयानबाजी की, कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं और अगर प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन कर रहे हैं तो मैं ताली बजाने के लिए नहीं जाऊंगा, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि शंकराचार्य से पंगा ना लें क्योंकि मैं उनकी कुर्सी भी मतलब परिवर्तित कर दूंगा, इतनी पावर शंकराचार्य के अंदर होती है। डर नहीं लगता सर आपको? अभिषेक जी सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि शंकराचार्य जी पे टिप्पणी करने की हमारी हैसियत और औकात नहीं है, कतई नहीं है। लेकिन जो हमारे बड़े भाई नितिन भंसाली जी ने कहा कि शंकराचार्य जी ने मना किया, ये वही शंकराचार्य जी हैं जिनको वाराणसी की सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के इंडी गठबंधन के लोगों ने पीटा, आज उनके समर्थन में खड़े हैं। वही वही बात पांडे जी यही समझना चाहता हूं कि आप भी उदाहरण देते हैं, आप जैसे लोग बीजेपी के नेता भी यही कहते हैं कि शंकराचार्य जो है वो कार सेवकों के साथ डंडा खाए हैं, निर्मोही अखाड़े के साधु संतों की बात करें वो लगातार राम मंदिर के मुद्दे को लेकर उठाए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं थी, निर्मोही अखाड़ा लगातार सक्रिय रहा है, ये साधु संत और महात्मा रहे हैं, कार सेवक रहे हैं, देश की आवाम रही है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ये क्यों प्रस्तुत कर रही है कि राम मंदिर हमारे द्वारा बना है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाया है,
साधु संत और शंकराचार्य को आप मनाए क्यों नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो हर जाति संप्रदाय के लोगों के पास पहुंच जाते हैं। हमने देखा कि मुस्लिम आबादी, सिख समुदाय और जितने भी हैं वो सब राम मंदिर में भगवान का स्वागत कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री एक पहल क्यों नहीं किए, शंकराचार्य के पास पहुंच जाते, मनाते, उनके द्वारा उद्घाटन होता। देखिए अभिषेक जी, आप शंकराचार्य जी की बात कह रहे हैं, मैं पहले ही बोला कि मेरा हैसियत नहीं है उन पर टिप्पणी करना, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है 1949 से ये मामला चल रहा है। मैं तो कभी कल्पना नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता कि हमारे भाई भी राम भक्त हैं, कांग्रेस पार्टी भी राम भक्त, उनकी आस्था भी है, तो वो स्थल जो हमारे 125 करोड़ देशवासियों के लिए सर्वोच्च पूजने वाला जगह है वो विवादित कैसे हो गया होगा, ये भी सोचना पड़ेगा। आपने बोला चौपाई, बैरू न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई, सुमति कुमति सबके उड़ रहे, वेद पुराण संत सब कहे, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। ये सारी चीजें लिखी हुई है वेद पुराणों में, पढ़ने की आवश्यकता है। आज देखिए श्री राम को असराम की कल्पना को नकार की बात करें तो मैं ये सोचता हूँ कि एक लाइन श्री नितिन भंसाली जी उन व्यक्तियों के लिए कह दे जो न्यायालय में खड़े होके, 21 लोग न्यायालय में खड़े होके बाबरी मस्जिद का जो पैरोकार कर रहे थे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, क्या बाबरी विध्वंस सही था या नहीं था, ये भी आज तय कर दे, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा विषय है, प्रभु श्री राम आ रहे हैं, लेकिन उस संघर्षों का, उस तप का, उस तपस्या का क्या अभी तक नहीं, नहीं तो टेंट में आ रहे हैं, टेंट में थे ना, अब महल में आ रहे हैं, ये वाली बात है। प्रभु से राम थे ही नहीं क्या? आपकी इच्छा से टेंट में थे, हमारी इच्छा से महल जा रहे हैं। प्रभु श्री राम तो हमारे संकल्प में राम है, इस देश की संस्कृति में राम है। हाँ तो संस्कृति में कब है राम, ये राम मंदिर के कपाट जो थे, ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के कारण कांग्रेस पार्टी आज राम नाम ले रही है। कल देखिएगा, बात कर रहे, देखिएगा इन्होंने राम नाम किनारे कर देंगे, कोर्ट में इन लोगों ने, भाजपा ने केस नहीं लड़ा है। डॉक्टर रविशंकर प्रसाद कौन थे, आचार्य जी के, डॉक्टर रविशंकर प्रसाद कौन थे, विश्व आप जाकर पता तो कीजिए कि कितना संघर्ष हुआ है इस कालखंड में। नहीं नहीं, 30 साल, 4 दशक की लड़ाई हुई है। भद्राचार्य भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता राम भद्राचार्य नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई पक्ष नहीं था। निर्मोही अखाड़े की बात आप करते तो थे, शंकराचार्य पक्ष थे, राम भद्राचार्य थे। भंसाली जी आप ये कहते हैं कि राजीव गांधी ने ताला तोड़वाया था, तो राजीव गांधी ने यह भी कह दिया था कि राम काल्पनिक है, तो आप कहीं ना कहीं, एक हमने गांव की कहावत है कि बिना पेंदी का लोटा, कि मतलब जो जैसा समय पर अभिषेक जी, मैं खंडन करूंगा आपकी बात, इसी तरीके से आप इस डिबेट को अभिषेक जी गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, प्रतिष्ठित चैनल है, आप ये ना कहें कि राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि राम काल्पनिक है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है, नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, या आप बता दीजिए लोगों में, बैठ पे हम लोग कांग्रेस ने राजीव गांधी ने कहा देने की बात, कांग्रेस ने कहा था, राजीव गांधी ने कहा था, राजीव गांधी ने कहा, कांग्रेस ने कहा था, राजीव गांधी भारत जी पूर्व हमारे डिबेट का, आप जैसे मेहमानों का स्वागत करने का मतलब यही था कि अगर लोगों में गलत फहमियां हैं, लोग अगर जागरूक नहीं है, या गलत बयानबाजी, गलत प्रचार प्रसार किया जाता है, तो आप उसको सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि लोगों तक ये बात पहुंचती थी कांग्रेस पार्टी ने ऐसी बात कही, सही क्या है, हकीकत क्या है, तथ्य क्या है, आप बताइए। अभिषेक जी 10 सेकंड जी, भंसाली जी पहले, आप भंसाली जी आप तथ्य को इसको साफ करिए कि क्या हकीकत है, क्या जो आरोप लग रहे हैं सही है गलत है। नहीं नहीं, मैंने बताया सत्य जो था वो सत्य है, कौन से आरोप लग रहे हैं आपने कहा काल्पनिक, काल्पनिक वाला राम काल्पनिक है, बिल्कुल नहीं कहा, कांग्रेस का कभी भी इसमें विरोध नहीं रहा, आज भी विरोध नहीं है, बिल्कुल नहीं, राम सेतु का विरोध किया हाल ही में लोकसभा में, राम सेतु विरोध नहीं है, पांडे हमारा मंदिर निर्माण से, पूजा से, पाठ से, धर्म से हमको कोई इसमें आपत्ति नहीं। बहुत बढ़िया भंसाली जी, यही होना चाहिए, यही हमारे देश की खूबसूरती है। पांडे जी काल्पनिक कहा था, अभिषेक जी एक चीज और कोट करना चाहता हूं मैं, काल्पनिक 2007 में हलफनामा
न्यायालय में इन्होंने कहा था, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राम काल्पनिक है। दूसरा मत पूछे, फिर 10 सेकंड और देंगे। 10 सेकंड, क्यों 10 सेकंड, क्यों गलत संदेश दे रहे हो प्लीज? एक तरफ भाईचारे की बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इससे ज्यादा मिर्ची लेने वाली बात कर रहा हूँ। सुनो तो आप, 10 सेकंड, चलो बताओ किसने किया। अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी जी, बिल्कुल 10 सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा बड़ी बात बोल रहा हूँ। आज भी कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो हम बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। यह बात इन्होंने स्टेटमेंट दिया है और आज तक भी खंडन नहीं किया है। आप इंडिया में जाकर मेरी बात कर लो, ये बात आज भी है। तो ये बाबरी के समर्थक लोग हैं, आज राम मंदिर के शरण में आए हैं, अच्छा है, स्वागत है। आइए मिल के राम का काम कर रहे हैं, आइए मिल के कृष्ण का भी काम करेंगे, आइए ज्ञान में भी साथ दीजिए, ज्ञान में भी काम करेंगे। लेकिन ये कालेमी लोग आज वोट के चंद वोटों के लिए राम का नाम ले रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अभिषेक जी, आइए कृष्ण भगवान के साथ दीजिए, कृष्ण जन्मभूमि को भी क्लियर कीजिए, ज्ञानवापी को भी साथ दीजिए। आइए आपको मैं स्वागत करता हूँ, आप में है ताकत तो आइए इस ज्ञानवापी में भी, आप में है ताकत तो आइए मथुरा में भी। हम तो चाहते हैं कि हमारे सभी भगवान एकदम बिल्कुल अतिक्रमण जी। पूरे डिबेट को आपने सुना, आप अपनी बात रखे, लेकिन जिस तरीके से ये समझ में आ रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी हिंदुइज्म या सनातन के मुद्दे को लेकर उठाती है, चाहे वो भगवान के मुद्दे हो, राम के हो, कृष्ण के हो, अब आपको समझ में आने लगा है कि क्या कांग्रेस पार्टी भी उसी राह पे चल रही है? कहीं हनुमान भक्त बताती है तो कहीं राम भक्त बताती है। क्या आपको लगता है कि केवल राजनीति कर रहे हैं? मतलब आस्था तो है, दोनों पार्टियों में आस्था है, लेकिन इसको आस्था के साथ राजनीति का विषय भी बना रहे हैं, क्योंकि जनता साथ में जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं वोट बैंक है। आपकी क्या राय है? राम को विसार के तू फिरे है मारा मारा, तेरे हाथ नाव राम पास है किनारा। और देखिए क्या है कि भाई धर्म को राजनीति से क्यों अलग करना? आपने तो रामायण भी देखा होगा, महाभारत भी देखा होगा, तो क्या वहां धर्म और राजनीति जो है अलग थे? जहां राजनीति होगी वहां धर्म होगा, जहां धर्म होगा वहां राजनीति होगी। और एक शब्द भी है राजधर्म, अभिषेक तिवारी जी, राजधर्म एक शब्द होता है। तो अगर कोई राजधर्म निभाता तो निभाना चाहिए। बिल्कुल, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने राजधर्म निभाते हुए राम मंदिर का ताला खुलवाया था। और अभी मोदी जी के शासनकाल में अगर कहीं राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वो उनका अपना राम राजधर्म है। और कोई भी काम देश काल और परिस्थिति के हिसाब से होता है। अगर कहीं देश काल और परिस्थिति के हिसाब से अगर आज अगर कहीं जरूरत महसूस हो रही है तो उसमें कहीं कोई बुराई मैं है ऐसा मैं नहीं समझता। और इसमें क्या है कि मैंने कहा राम हमारी विरासत है जी, जी। राम हमारा जो है इतिहास है। ऐसे बहुत सारे ऐसे पहलू है, उसको देखते हुए आज की जरूरत है, सबका समर्थन होना चाहिए। चलिए बिल्कुल दुबे जी, आपने अच्छा निष्कर्ष दिया। और हमारे देश की और हमारे समाज की यही खूबसूरती है कि देखिए ना, भंसाली जी और पांडे जी मिल गए एक साथ, अब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, कोई राम मंदिर साथ में जाएगा, कोई राम भजन साथ में गाएगा, यही खूबसूरती हमारे देश में होनी चाहिए। हालांकि अब तो यह भी दिखाई दे रहा है कि राम राज आ रहा है, राम राज को हम यही समझते हैं कि राम में आस्था का सम्मान होना चाहिए, मर्यादा को रखनी चाहिए और हर व्यक्ति की अच्छाई को टटोलना चाहिए, बुराई को खत्म होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो राम को लेकर एक तरफ सियासत भी जारी है, दूसरी तरफ घमासान भी चल रहा है, लेकिन आस्था कहीं ना कहीं सबसे जुड़ी हुई है। हालांकि अब कहते हैं कि धर्म के बिना राजनीति नहीं और राजनीति के बिना धर्म नहीं, इसीलिए समय और अवसर को लोग पहचान रहे हैं और अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि देश में राम के आने की खुशी हर किसी में है, हर कोई आस्था रखता है और हर कोई इस समय राममय हो चुका है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, जुड़े और देखते रहें स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।